एंटी वॉर कोलिशन आंसर समेत इंसानी हकूक और शहरी आज़ादियों के मुख्तलिफ अमरीकी और आलमी तंजीमों ने हंगामी तौर पर आज न्यूयॉर्क के टाइम स्क्वायर पर एक बड़े एहतजाजी मुजाहरे का इनेकाद किया और ये एहतजाजी मुजाहरा इसराइल की जानब से गजा के लिए इमदादी सामान लेकर जाने वाले आलमी इंसानी हकूक के सरगर्म तंजीमों और अरकान को रोके जाने और उनकी कश्तियों पर सवार 19 बेगुनाह अफराद की हलाकतों के खिलाफ हुआ। और आज का ये जो मुजाहरा है इसमें आंसर और मुख्तलिफ तंजीमों की कोलिशन के अरकान के अलावा मुख्तलिफ शुबाए ज़िंदगी से तल्लक रखने वाले अमरीकी और क्रिश्चियन और हत्या के ज्यूश तंजीमों के अरकान भी बड़ी तादाद में मौजूद थे और आज उन सब का एक ही नारा था कि इसराइल ने आज जो इंटरनेशनल वाटर्स में इंसानी हकूक के कारकुनों के साथ एक बर्बरियत का मुजाहरा किया उसकी उन्होंने शदीद अल्फाज में मजम्मत की और मुतालबा किया कि इन पर एक मुजरमाना चार्जेस आयद करके इस वाक़े की इंटरनेशनल लेवल पर एक इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और इसराइल के खिलाफ एक आलमी कवानीन के तहत कानूनी पर चाराजोई करनी चाहिए। इसी तरह आज के मुजाहरे में शरीक अफराद जिन्होंने अपने हाथों में प्ले कार्ड्स और बैनर्स उठा रखे हैं उन पर ना सिर्फ इसराइल के खिलाफ नारे दर्ज हैं बल्कि ये भी लिखा हुआ है कि वो अमरीकी इमदाद और वो अमरीकी डॉलर्स जो कि इसराइल को फराहम किए जा रहे हैं उनको फौरी तौर पर रोका जाए और इसराइल को अकाउंटेबल बनाया जाए। मौसम रही टाइम्स के न्यूयॉर्क।